नारी हूं। ये एक बहुत सुंदर कवि रविंद्र जैन जी ने ये लिखा है हमारे लिए खास तौर पर। तो आप अपनी बेटियों को कभी ये मत सोचिए कि वो बोझ है। बेटियां तो बाबुल की रानियां होती है कि नहीं? और आप आपको आपका ये जिम्मेदार है कि अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़कर लेकर आएंगे। आपके ऊपर पूरा दायित्व है। अपनी बेटियों को आप उसे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, निर्भीक, साहसी नारी बनाना होगा। आपको हर परिस्थिति का सामना करना उनको सिखाइए। अपने आप को सुरक्षित रखना भी सिखाइए। आप उसे केवल संवेदनशील व्यक्ति नहीं, तेज दरार करार साहसी औरत बनाइए। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत सारे योजनाएं बनाई है, उसमें खास तौर पर मिशन शक्ति अभियान, उसमें वो महिलाओं को, बेटियों को खास तौर पर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और स्वास्थ्य भी कैसे अच्छी तरह से रख सकती हैं और स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीजों को जागरूक करा रहे हैं हमारे योगी जी। तो ऐसे एक बहुत ही सुंदर अवसर आप लोगों को मिल रहा है, इसे आप सब यूज कीजिए और अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर आइए और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। ये हमारी सरकार, मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका पूरा आप उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक श्रीमती नीलम करवरिया जी को। जय श्री राम। आज नारी सशक्तिकरण योजना में जो माननीय देश की सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे देश के यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित इतने भारी समूह में देश दूर दूर से आई सभी महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, आज मुझे भी इस मंच से बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि प्रयागराज से मैं ही एकमात्र महिला विधायक हूँ। इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं सभी लोगों का मंच के माध्यम से सादर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से नारियों का सम्मान जितना हुआ है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, आंगनबाड़ियों का सम्मान, आशा बहुओं का सम्मान, मिशन शक्ति, उज्ज्वला योजना के तहत जो मेरी माताएं बहनें गांव की चूल्हे में रोटियां बनाती थी, आज वो गैस पे भोजन बना रही हैं, इससे उन लोगों की आंखों को जो रोशनी की होती थी दिक्कत, वो नहीं हो रही है। जो समूह की महिलाएं घर में से निकलना नहीं पसंद करती थी, वो आज आकर के मंच में भाषण कर रही हैं। ये जो कुछ भी संभव है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है और किसी सरकार में ये संभव नहीं है। जो महिलाएं कभी भी देखिए रात में निकलने में लड़कियां डरती थी, अब लड़कियां मतलब मैं कह सकती हूँ कि बिना किसी डर के, किसी भय के सड़क में निकल रही हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि बेटियां जो है दो घर को चलाती हैं। जब तक मायके में रहती हैं, मायके को में बढ़ावा करती हैं, जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल में जाकर के वहाँ का निर्वहन करती हैं।
इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को जरूर शिक्षा दें, अच्छे से पढ़ाएं और उनको निडर होकर के, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी बात देख लीजिए, शिक्षा का हो, पुलिस विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, महिलाएं हर तरफ से अग्रणी हो रही हैं और अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आज मैं सभी महिलाओं को यहाँ पर जो भी दूर से आई हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपने बात को मैं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जान चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है, सबसे पहले वो जो हमारी बीसी सखियां हैं कुछ उनसे संवाद करेंगे, उसके बाद पुष्टाहार जो निर्माण कर रही हैं इकाइयों में उन बहनों से बातचीत करेंगे और फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों की कुछ लाभार्थी बहनों से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद वो मंच पर आएंगे। लेकिन वो यहाँ पधार चुके हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां हो रही हैं, किसी भी क्षण वो पधार सकते हैं। इस बीच में मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी को कि वो अपनी बात कहें। सम्मानित मंच और यहाँ सामने उपस्थित सभी मात्र शक्ति के चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस मंच के मस्तक और इस देश के गौरव बहुत जल्द इस मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस कुंभ की धरती पर अपने चरणों को रखेंगे तो माँ गंगा और माँ यमुना भी अपने बेटे को देखकर आशीर्वाद देंगी कि ये वो बेटा है जो अपने देश की बेटियों के अस्तित्व को बचाने का काम किया है, इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना के माध्यम से। ये वो बेटा है जिसने अपने घर की माताओं की आंख के आंसू को पोछने का काम किया है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। मुझे गर्व होता है कि मैं उस देश की बेटी हूं जिस देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। क्योंकि अब समय नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, माँ गंगा और माँ यमुना अपने बेटे को, अपने लाल को देखकर आशीर्वाद दे रही होंगी। यहाँ सामने भी गंगा, यमुना और माँ सरस्वती के रूप में संगम बैठी हुई है। मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ कि अपने दोनों हाथ उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए उस बेटे को, उस भाई को, उस पिता तुल्य माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम नारियों के अस्तित्व को बचाने का काम किया है, जिन्होंने हम बेटियों की रक्षा करने का काम किया है, जिन्होंने ये बताया कि अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो जरूरी है कि इस देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष करिए भारत माता की, जय घोष। ऐसा करिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जान जाएं कि इतनी माताएं बहनें उनके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देख सकते हैं जो बीसी सखियां हैं जो गांवों में बैंक ट्रांजैक्शन में सहयोग देती हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आत्मीय संवाद हम उसे देखते हैं। हल्का सा म्यूजिक चला दें ताकि हम देख पाएं किस तरह से संवाद हो रहा है। घर का अभिभावक अपने परिवार की महिलाओं से बातचीत कर रहा है। उत्साह से भरी हमारी माता और बहनें, आप
आत्मीय संवाद।